हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपकी एक्सप्लेन किया था ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, इसके ठीक पिछला वीडियो ही वही है। और ठीक है, तो आज हम मैं उससे आगे बढ़कर कुछ और बातें करने वाला हूँ उसी सिस्टम पे। ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बातें करने वाला हूँ इससे। ठीक है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स W। यहाँ W जो है ये ज़्यादातर मतलब ये जो इनपुट्स है उनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो होगा उसे हम W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस है वो 2 गुना उसके होनी चाहिए। ठीक है, तो द टाइम स्पेस बिटवीन सक्सेसिव सैंपल्स ऑफ एनी वन इनपुट विल बी, यहाँ ध्यान दीजिए इन्होंने लिखा है एनी वन इनपुट विल बी, मतलब ये जो इनपुट है X1 इसके सपोज 2 सैंपल्स है, तो इन 2 सैंपल्स में कितना टाइम होता है ये लिखा है। टाइम स्पेस बिटवीन सक्सेसिव सैंपल्स ऑफ एनी वन इनपुट वो कितना होगा, TS=1/FS, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के 1/सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब TS=1/2 ओमेगा। तो वो कहाँ पे होता है मैं इस डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये समझिए एक फ्रेम है, तो X1, X2, X3, X4, X5, ये जो X1, X2, X3, X4 up to X5 जो है वो हमारे सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो सबका एक फ्रेम, जो एक फ्रेम में सबका एक एक सैंपल होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये एक 5 सैंपल्स यहाँ पे हो गए। चलो ठीक है, मैंने 6 ले लिए, उसमें हम यहाँ पे X6 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए X6। तो ये 6 इनपुट हम दे रहे हैं, तो 6 सैंपल्स हम लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जो 6 इनपुट का जो एक समूह बनेगा तो उसे हम कहेंगे फ्रेम, मतलब एक फ्रेम में जितने भी इनपुट है सबके एक एक सैंपल्स होंगे। और ये जो TS है वो क्या होगा, अभी X1 यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रेम खत्म हो रहा है, फिर बाद में यहीं से एक फ्रेम स्टार्ट होगा जो कि इसका ही एक और एक रेटिन मतलब ये प्रतिबिंब जैसा होगा, मतलब यही या फिर रिफ्लेक्ट करेगा वापस से X1, X2, X3, X4, X5, X6 ऐसे up to N तक जितने भी हमारे इनपुट है वही ऐसे ही रिपीट करता जाएगा, मतलब इस X1 से लेकर इस X1 के बीच में जितनी भी टाइम है उसको हम कहते हैं TS, स्पेसिंग और टाइम पीरियड बिटवीन 2 सैंपल्स ऑफ वन इनपुट। ओके, तो इसे कहते हैं स्पेसिंग बिटवीन 2 पल्सेस ऑफ सेम इनपुट, सेम इसको आप याद रखिए सेम इनपुट। ठीक है, तो स्पेसिंग बिटवीन 2 सैंपल्स, तो ये तो हो गया सेम इनपुट के 2 सैंपल्स के बीच में। अगर हम बात करें कि ये जो दोनों डिफरेंट पल्सेस है डिफरेंट इनपुट्स के इनके बीच में कितनी दूरी होती है, तो उसको समझने के लिए वो जो होती है TS/N। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इतने में TS टाइम पीरियड लगता है TS, और इतने में कितने फ्रेम से N फ्रेम से, सपोज आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये जो एक फ्रेम है वो जो है 10 सेकेंड के लिए है। ठीक है, ये 10 सेकेंड के लिए है, और चलो 1 मिनट, ये 10 सेकेंड के लिए एक फ्रेम है, और इसमें सैंपल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 सैंपल है, मतलब स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 10/5, मतलब 2 सेकेंड हमको स्पेसिंग मिलती है। तो ऐसे ही इसमें ये जो TS है इसको कितने सैंपल से उससे डिवाइड करेंगे तो इनमें कितनी स्पेसिंग है ये पता चल जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने सैंपल्स होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड =1/spacing between 2 samples, ये बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड को बढ़ाना है
तो स्पेसिंग को घटाना होगा, ठीक है। मतलब एक फ्रेम है आप समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम उन सभी पल्सेस के बीच में बहुत ही कम स्पेसिंग रखेंगे, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस रखेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये पहला सेकेंड है, ये दूसरा है, इन सब में से डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनमें ज़्यादा पल्सेस बसेंगे, तो इसीलिए ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और स्पेसिंग हमने यहीं पे फाइंड आउट किया है, टी एस बाई एन इज इक्वल टू एन बाई टी एस। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है टी एस इक्वल टू वन बाई एफ एस। सो यहाँ पे आप अगर आप वन बाई एफ एस लिख देंगे तो एफ एस ऊपर जाएगा, एन इंटू एफ एस हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स इंटू सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। ये जो मल्टीप्लाई करने से हमको नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है दोस्तों। धन्यवाद।